हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस टू के अंदर राजनीति विज्ञान का टॉपिक चल रहा था हमारा, न्याय, उसको आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू आगे रेगुलर इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, न्याय के बारे में हमने तीनों विचारकों को पढ़ चुके हैं, चाहे वो पाश्चात्य थे, मध्यकालीन और आधुनिक, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और बढ़िया तरीके से मेरे हिसाब से आपको समझ भी आ चुका है, क्योंकि हमने एक टेबल के आधार पर, एक सिस्टम के आधार पर इसको हमने पढ़ा था। अब आज हमें जो आगे हमारा टॉपिक है वो है न्याय के विविध स्वरूप। न्याय के विविध स्वरूप, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। न्याय के प्रकार के बारे में बताने वाले हैं, कौन न्याय तो है लेकिन कौन से प्रकार, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन न्याय की हम क्या करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैतिक न्याय की, बात करते हैं नैतिक न्याय की। देखो, नैतिक न्याय क्या होती है? देखो, न्याय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, न्याय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वो नैतिकता होता है। क्या होता है? नैतिक, क्योंकि आपने आपने पढ़ा, जैसे आपने बात की थी प्लेटो की, तो प्लेटो ने कर्तव्य निष्ठा को मुख्य माना था न्याय के लिए, ईमानदारी को, ईमानदारी से अपने कर्तव्य की पालना करना। उसके बाद हमने बात की थी भारतीय विचारकों की, उन्होंने भी न्याय के अंदर धर्म को, नैतिकता को मुख्य माना था। इसका मतलब न्याय क्या होता है? एक नैतिकता के साथ चलता है, न्याय को नैतिकता के साथ जोड़ते हैं हम, चाहे प्राचीन भारतीय है अपने भारतीय विचारक थे, चाहे प्राचीन पाश्चात्य विचारक थे, वर्तमान में देखें तो एक नैतिकता के साथ चलता है ये, ठीक है, क्योंकि ये भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, भेदभाव नहीं करता, सत्य, कर्तव्य निष्ठा, अहिंसा, इस चीज़ की वचनबद्धता, ईमानदारी, ये क्या होता है इसके अंदर फिक्स होता है, यानी मिले हुए होते हैं इसके अंदर, कानून के अंदर हमारे ये सब सत्य भी होता है, ठीक है, कर्तव्य निष्ठा होता है यानी कर्तव्य के अनुसार पालना होती है, उसके अंदर ईमानदारी होती है, अहिंसा होती है, ठीक है, वचनबद्धता होती है। इसका मतलब जैसा कानून बनाए वैसा भेदभाव नहीं होता बल्कि सभी के लिए समान रूप से लागू, क्योंकि ये नैतिकता होती है ना, ये न्याय का सबसे बड़ा रूप होता है। अगर कोई कानून अनैतिक है तो वो अनैतिक है, मान लो कोई ऐसा कानून बन गया जो अनैतिक है, सत्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो पूरे समाज के अंदर क्या करेगा, अन्याय को फैलाएगा, न्याय को नहीं फैलाएगा, क्योंकि है ही वो अनैतिक, भेदभावपूर्ण है, तब तो सबको तो वो न्याय प्रदान करेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं नैतिक न्याय, यानी जब नैतिकता का तत्व इसके अंदर निहित हो, सत्य का निहित हो, अहिंसा हो, वचनबद्धता हो, ईमानदारी हो, यानी कंप्लीट रूप से जब उसकी कानून की पालना की जाए तब आएगा हमारे यहाँ पर नैतिक। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें राजनीतिक न्याय, देखो ज़्यादा इसके अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। राजनीतिक यानी राजनीतिक आधार पर जो न्याय होता है, यानी राजनीतिक आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसे हम बात करते हैं लोकतांत्रिक देशों की, भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, तो लोकतंत्र है, इसका मतलब यहाँ पर राजनीतिक न्याय है। और राजनीतिक न्याय का आप क्या कह सकते हो, जैसे अगर हम हमारे साथ राजनीति के अंदर भेदभाव होता है तो फिर तो अन्याय होता है। इसका मतलब राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए हमारे यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई, आप कह सकते हो बेशक मताधिकार को अपनाया गया है। इसका मतलब चाहे वो किसी जाति, धर्म, कोई किसी से संबंधित हो, यानी एक निश्चित उम्र प्राप्त कर लेता तो उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी बेशक मताधिकार को अपनाया गया है। आप ये कह सकते हो यहाँ पर चुनाव लड़ने का अधिकार है सभी को, सरकार की आलोचना करना, उसका पक्ष विपक्ष लेना, टोटल हमारे पास अधिकार है, राजनीति में हम क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, ये है राजनीतिक न्याय, ठीक है ना बात। हमारे यहाँ पर भी राजनीतिक न्याय को अपनाया, राजनीतिक न्यायशील है यहाँ पर, यानी किसी के साथ कोई राजनीतिक आधार पर भेदभाव नहीं होता। ये नहीं होता कि आप उस धर्म के आप वोट देने का अधिकार नहीं है, मैं इस धर्म को, मेरे को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर वैश्विक मताधिकार सबको मत देने का अधिकार है, सबको अपने एक निश्चित योग्यता प्राप्त करने पर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकार की पक्ष विपक्ष करने का अधिकार है, सरकार के जो राजनीति है उसके अंदर भाग लेने का अधिकार है, हमें अपना राजनीतिक दल बना सकते हैं, हम अपनी विचारधारा के आधार पर कोई भी दल का गठन कर सकते हैं, तो ये राजनीतिक न्याय, यानी कोई भेदभाव नहीं होता। अगर हम आगे नेक्स्ट बात करें सामाजिक न्याय, देखो हम सामाजिक न्याय की बात करें तो वही बात आ गई, समाज के अंदर न्याय, यानी समाज में कोई भेदभाव नहीं होता, हम बिना भेदभाव के, हम
बिना किसी भेदभाव के, भेदभाव के समाज में रहने का अधिकार है। हमें बिना किसी भेदभाव के समाज में रहने का अधिकार है, यानी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप अपने समाज के अंदर आप रह सकते हो, किसी जाति धर्म या किसी भी स्तर के दाव पर, आपके वर्ग के दाव पर भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। आप किस समाज में रह सकते हो, जीविकोपार्जन कर सकते हो, अपना एक समाज में स्टेटस तैयार कर सकते हो। कोई भी जैसे अस्पृश्यता ग्रंथ किया गया ना हमारे यहाँ पर, आर्टिकल 17 आपने पढ़ा था मौलिक अधिकारों में, तो अस्पृश्यता ग्रंथ कर दिया गया है, यानी अब आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, उच्च नीच का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, आप सार्वजनिक स्थलों का यूज कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो, मंदिर में कहीं भी आप जा सकते हो। पहले महिलाओं को, निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश वर्जित था, तो उससे तब अन्याय था, यानी उनके साथ अन्याय हो रहा था, क्योंकि भेदभाव हो रहा था समाज के अंदर। कुछ जातियाँ थी जिनको समाज में रहने नहीं दिया जाता था, वो समाज से बाहर रहते थे, उनका रहन सहन खान पान था वो अलग था बिल्कुल। तो अब इस वर्तमान में उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, यानी कोई भी किसी के दाव पर समाज में भेदभाव नहीं होगा। आप समाज में कहीं भी रह सकते हो, अपना जीविकोपार्जन कर सकते हो, अपने परिवार की पालना कर सकते हो, यानी ये है सामाजिक न्याय। यानी बिना भेद किसी भेदभाव के आपको समाज में रहने का अधिकार है। समाज की जो भी सुविधा है, समाज की जितनी सार्वजनिक संपत्ति है, उसका आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, कानूनी न्याय। देखो ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, कानूनी न्याय, क्योंकि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं ना, वो किसी व्यक्ति या संस्था का शासन नहीं होता, उसमें कानून का शासन होता है, जान का शासन होता है, रखना बात। लोकतांत्रिक देश में किसी व्यक्ति का शासन नहीं होता या किसी संस्था का शासन नहीं होता, बल्कि संविधान यानी कानून का शासन होता है। और कानूनी न्याय आप देखते हो भी सभी के लिए कानून समान रूप से मिलते हैं, भेदभाव नहीं रखता कानून। अगर मान लो कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, जिसने जैसा अपराध किया, अगर दोनों ने एक जैसा अपराध किया है, तो दोनों को सजा भी एक जैसी मिलेगी, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है, किसी वर्ग क्षेत्र से संबंधित है, सबको सजा भी क्या मिलेगी, समान मिलेगी। भेदभाव नहीं होगा अभी, चलो ये दोनों ने अपराध तो सेम किया, लेकिन ये ब्राह्मण जाति का या अन्य कोई उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, उच्च जाति को सजा कम दी जा रही है, निम्न जाति को कम अधिक दी जा रही है, या कोई अलग धर्म को ज़्यादा दी जा रही है, किसी अलग धर्म को कम दी जा रही है, या महिलाओं को अधिक दी जा रही है, कम दी जा रही है पुरुष को, यानी ऐसी स्थिति नहीं अपनाई जाती। यानी सभी कानून रूप से क्या है, सम्मान है, इसके साथ कानून से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हमने ये पढ़ चुके हैं आपको मौलिक अधिकार में, हमने पढ़ा था आर्टिकल 14, यानी कानून के समक्ष समानता, याद आ रहा है ना आपको, जो मौलिक अधिकार पढ़े थे भारतीय संविधान वाले पार्ट के अंदर, उसके अंदर हमने मौलिक अधिकार में पहला अधिकार था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का जो पहले अनुच्छेद आर्टिकल था वो था आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 आपको क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता है, कानून का समान संरक्षण, यानी सभी को समान संरक्षण मिलेगा कानून का, कानून के समक्ष सभी समान है, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, वो है कानूनी, यानी कानून के आधार पर जो न्याय प्रदान किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो वो होता है आर्थिक न्याय। इसकी बात करते हैं हम, आर्थिक न्याय। देखो आर्थिक न्याय की बात करें तो इसके अंदर भी हम स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं आर्थिक न्याय वो होता है जो अर्थ से संबंधित होता है, धन से संबंधित होता है। इसका मतलब आप अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हो, अपने जीविकोपार्जन कर सकते हो, अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हो। यानी देखो पहले तो आप समाज में रह सकते हो, और समाज में रहने के लिए आपको रुपये चाहिए, धन चाहिए, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए आपको पैसा चाहिए। तो वो देखो अपने पढ़ा था भी पैसा धन यानी जीविकोपार्जन के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो आर्थिक समानता स्थापित करना, यानी आर्थिक न्याय का अगर आपसे पूछे मुख्य उद्देश्य है, आर्थिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आप क्या कह सकते हो, आर्थिक समानता स्थापित है, आर्थिक समानता स्थापित करना। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या सर सभी आर्थिक रूप से समान हो सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समाज में कभी आपने देखा भी सभी आर्थिक रूप से समान हो जाएंगे, आर्थिक रूप से समान करते भी सबकी इनकम समान हो जाए, सबकी आय समान हो, कोई गरीब ना हो अमीर ना हो, तो ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। ये नहीं कह सकते हम सभी को हम आर्थिक रूप से समान कर दें, तो फिर तो हमारे जो समाज का मेन उद्देश्य है वो समाप्त हो जाएगा, सभी समान हो गए फिर कौन काम करेगा।
सबको इनकम आय प्राप्त होने लग जाएगी। तो हम कह सकते हैं भी देखो मेन इसका उद्देश्य होता है आर्थिक समानता स्थापित करना, लेकिन हम पूर्ण रूप से आर्थिक समानता स्थापित नहीं कर सकते। आर्थिक समानता स्थापित नहीं की जा सकती। हाँ ये हो सकता है कि जो हमारे यहाँ पर अधिक जो आर्थिक असमानता पाई जाती है, आर्थिक असमानता उसको कम किया जा सकता है, आर्थिक असमानता को कम करना। हाँ ये हो सकता है, ऐसे सरकार करती है ना, जिनकी ज़्यादा इनकम होती है, आय होती है, उन पर इनकम टैक्स लगता है, आयकर लगाती है, और वो रुपया योजना के द्वारा गरीबों में बांट दिया जाता है, यानी ताकि गरीबों का विकास हो, उनको कुछ रिसोर्स मिले, स्रोत मिले विकास विकसित होने का, ठीक है, आर्थिक विकास करने का, और अमीरों से भी पैसा थोड़ा क्या हो जाता है कम, यानी जो असमानता है जो देश में आर्थिक विषमता पाई जाती है उसको कम करने की चर्चा इतना कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कंप्लीट रूप से आर्थिक समानता आ जाएगी। उसके बाद हम बात करें इसी आर्थिक न्याय के तहत, तो हमने एक बात की थी अवसर की समानता। देखो अवसर की समानता हमने एक मौलिक अधिकार में पढ़ा था आर्टिकल 16, यानी अनुच्छेद 16 के अंदर हमने अवसर की समानता की बात की थी। इसका मतलब क्या है, आपको सभी रूप कोई व्यवसाय करने का अवसर समान है, कोई भी जॉब करने का, कोई भी जैसे मान लें वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अगर आप में उतनी एबिलिटी योग्यता है, आप किसी कोई भी आपसे धर्म जाति नहीं पूछेगा, यानी बगैर किसी जाति धर्म के आधार पर क्या है आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी कहने का मतलब अवसर सभी के लिए समान है, अवसर सभी के लिए समान है, तो क्या बोलते हैं हम आर्थिक न्याय बोलते हैं, यानी सभी को विकास करने का अधिकार है। आप भी अपना विकास कर सकते हो, आर्थिक विकास कर सकते हो, कोई भी जॉब कर सकते हो, कोई व्यवसाय कर सकते हो, ठीक है, मैं भी अपना विकास कर सकता हूँ, जॉब विषय कैंसी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकता हूँ, अपने परिवार को पाल सकता हूँ मैं, ठीक है, उसके अंदर भेदभाव नहीं होगा, जिनमें कोई भी कार्य कर सकता हूँ, होती है आर्थिक न्याय। क्या होता है आर्थिक न्याय, इसका मतलब आप कह सकते हो व्यवसाय करने का अधिकार होता है, यानी कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं हम, यानी कोई भी आर्थिक क्रिया कर सकते, आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रियाएं जानते हैं ना जो अर्थ से संबंधित होती है, हमने जब भी अर्थशास्त्र पढ़ा था उसके अंदर भी हमने चर्चा की थी कि आर्थिक क्रिया अर्थ से संबंधित होती है, ये इससे संबंधित होती है अर्थ से, यानी धन से संबंधित होती है, और हमें जीवन निर्वाह करने के लिए हमें धन चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, तो हम कोई भी आर्थिक क्रिया कर सकते हैं, इसका मतलब आर्थिक न्याय है, हमें उसे रोका नहीं जाएगा भी आप व्यवसाय ये नहीं कर सकते, आप ये जॉब नहीं कर सकते, आप ये कार्य नहीं कर सकते, ऐसा कोई ऐसा मैटर नहीं है भी आप पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, वो होता है आर्थिक। देखो न्याय के बारे में हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट, न्याय के कंसेप्ट के बारे में न्याय को हमने पूरा किया, ठीक है, पाश्चात्य विचारक थे उन्होंने न्याय के बारे में उनके क्या विचार थे, प्लेटो अरस्तु के थे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, पाश्चात्य के अंदर आपको प्लेटो अरस्तु पढ़ना है, मध्यकालीन में आपको ऑगस्टाइन संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास को पढ़ना है, आधुनिक में एक डेविड ह्यूम है, जेरेमी बेंथम था, उसके बाद उसके शिष्य जे एस मिल या जॉन स्टुअर्ट मिल था, और एक समकालीन विचारक था जॉन रॉल्स, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस उनकी बुक थी, ठीक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो बुक लिखी गई थी 1971 में लिखी गई थी, वैसे आपके बुक्स के अंदर ये सन नहीं था इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में लिखी थी जॉन रॉल्स ने, उसके अंदर न्याय को अपना अपना सिद्धांत दिया, ठीक है, उसके बाद भारतीय न्याय के बारे में मनु उन्होंने पढ़ा था, भारद्वाज, सोमदेव, विदुर, बृहस्पति ये लोग थे जिन्होंने न्याय के बारे में बताया था, और ये प्लेटो के ज़्यादा नज़दीक थे क्योंकि ये दोनों ही कर्तव्य की बात करते थे, कर्तव्य निष्ठा की बात करते थे, तो जैसा निर्दिष्ट कार्य आपको सौंपा गया उस कार्य के अकॉर्डिंग आपको काम करना क्या है, न्याय है, यानी सब धर्म की पालना करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसके विधि स्वरूप पढ़ लिए, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, कानूनी, आर्थिक, ठीक है, इन के स्वरूप यानी हमने प्रकार पढ़ लिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आगे लेसन आता है वो आता है शक्ति, सत्ता और भेदता, अध्याय 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यानी अध्याय 2 का पहला क्लास है ये, अध्याय शक्ति, सत्ता और वैधता। देखो पहले इनके आपस में संबंध की चर्चा, लेसन पूरा शुरू करने से पहले इन तीनों में संबंध क्या है इसकी चर्चा कर लेते हैं, शक्ति, सत्ता और वैधता में संबंध क्या है आपस में,
इसको हम एक ही लेसन में क्यों पढ़ रहे हैं तीनों को, यानी इस आपस में जुड़ी हुई चीजें ध्यान रखना है। अब सुनो बात, एक होता है शक्ति, सत्ता और वैधता। देखो शक्ति क्या होती है, शक्ति तो कोई आर्थिक रूप से भी कोई शक्तिशाली हो सकता है, शारीरिक रूप से भी कोई शक्तिशाली हो सकता है ना, जो कोई बलशाली है ज़्यादा, एक आगे कमजोर व्यक्ति है उसके ऊपर वो क्या कर सकता है, अपना अधिकार लगा सकता है, उससे कोई अपना मनमर्जी का काम करवा सकता है, उसको पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो शक्ति है। इसका मतलब ये अनैतिक होती है, क्या होती है अनैतिक, यानी शक्ति अनैतिक भी हो सकती है, क्योंकि बलशाली व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवा रहा है, तो ये अनैतिक है, नैतिक थोड़ी है। सत्ता क्या होती है, सत्ता होती है जब शक्ति कानून के अनुसार हो। अब मैं एक पहले एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा, देखो मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है किसी व्यक्ति को पीट रहा होता है, हम पास से निकलते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं ये तकड़ा आदमी था इसलिए कमजोर को पीट रहा है बेचारे को, यानी अपने बल का प्रयोग कर रहा है। वही मान लेते हैं जो पीटने वाला व्यक्ति है उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी है, यानी वो पुलिस वाला है, तब हमारा देखो विचार एकदम चेंज हो जाएगा, हम फिर उसको बुरा नहीं कहेंगे, हम किसको कहेंगे जो मार खा रहे हैं उसको कहेंगे, ये कोई चोर या कोई अपराधी व्यक्ति है जिसको इसलिए पुलिस वाला इसको पीट रहा है, देखो हमारी चेंज होगी ना सोच। जब तो सिंगल वर्दी में था तब तो हमने कहा था ये पीटने वाला बुरा है, अपने कमजोर को पीट रहा है, जब पुलिस वाला पीट रहा है आगे चाहे कितना ही कमजोर हो तो ये हम कहेंगे यार पीटने मार खा रहा है ना ये बुरा है, इसने कोई ऐसा अपराध किया इसी कारण इसके मार पड़ रही है, इसको पीटा जा रहा है, ठीक है। यानी क्यों, क्योंकि अब वो जो व्यक्ति पहले मार रहा पीट रहा था अब उसको कानून रूप से वो सही हो चुका है, कानूनी रूप से वो क्या हो चुका है सही, यानी अब उसको कानूनी रूप से मान्यता मिल चुकी है भी वो कोई अपराधी या कोई चोर है उसको वो पीट सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही शक्ति है वैधता होती है कानून के अनुसार, किसके अनुसार, कानून के अनुसार, यानी अब वो वैधता यानी वैध, वैध यानी वो सही हो चुका है व्यक्ति, पहले तो वो सही नहीं था जब उसको पीट रहा था उसको हम बुरा बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने पुलिस वाला हमने देखा अभी वर्दी पहन रखी है तब वो वैध हो चुका है, कानून के अनुसार क्या हो चुका है, वैध हो चुका है। इसका मतलब जब शक्ति में वैधता जुड़ती है, शक्ति में क्या जुड़ती है वैधता, तो वो क्या बन जाती है सत्ता, बात समझ रहे ना, तब वो क्या बन जाती है सत्ता, जब शक्ति में वैधता प्लस होती है, यानी शक्ति में जब वैधता को जोड़ देते हैं, इसका मतलब जब देखो एक तो सीधी शक्ति का यूज होता है तब तो वो अनैतिक भी हो सकती है, लेकिन जब वो वैध यानी कानून के अनुसार हो जाती है, जैसे अभी आपको उदाहरण दिया अगर वो पुलिस वाला उसको पीट रहा है इसका मतलब कानून के अनुसार वो क्या हो चुकी है वैध हो चुकी है, यानी जब वो कानून के अनुसार वैध हो जाती है तब वो क्या बन जाती है सत्ता बन जाती है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं, वैधता को हम औचित्य पूर्णता भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं औचित्य पूर्णता, यानी ये हमेशा क्या होती है औचित्य होती है, क्या होती है औचित्य यानी सही होती है, जो कानून के अनुसार होता है वो हमेशा सही भी होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ पहले शक्ति की, तो तीनों का संबंध देखिए ना आपने, शक्ति में वैधता जुड़ेगी तब वो क्या बनेगी सत्ता, इसका मतलब सत्ता में क्या होता है, सत्ता में शक्ति भी होती है और वैधता भी होती है, दोनों मिक्स होते हैं, ये सत्ता में शक्ति भी होती है और वैधता भी होती है। अब हम बात करते हैं शक्ति, शक्ति की पहले तीनों को पढ़ेंगे हम अलग अलग प्रकार से, पहले हम तीनों का संबंध पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं हम शक्ति की। देखो शक्ति, और मैं आपको बता देता हूँ राजनीति के अंदर यानी राजनीति विज्ञान का ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व, इसका मतलब अगर राजनीति विज्ञान यानी राजनीति में शक्ति न हो, शक्ति न हो तो राजनीति क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है, राजनीति कुछ भी नहीं कर पाती। राजनीति में जब तक शक्ति नहीं मिलती, यानी शक्ति बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, इसका इसका बेस कह सकते हो, आधार कह सकते हो, अगर शक्ति ना होती ना राजनीति में तो राजनीति कब की समाप्त हो जाती है। हम प्राचीन काल में राजा महाराजा सम्राटों की बात करते हैं, उस समय जो शक्ति का नाम लिया था वो सैनिक शक्ति का, किसका सैनिक शक्ति, एक राजा दूसरे पर आक्रमण करता था जिसकी सैनिक शक्ति ज़्यादा मजबूत होती थी वो जीत जाता था,
जिसकी सैनिक शक्ति कमजोर होती थी वो हार जाता था। यानी उस टाइम जो शक्ति का अध्ययन किया जाता था वो सैनिक शक्ति के आधार पर किया जाता था, यानी सैनिक शक्ति को देखा जाता था। ठीक है, तो हम बात करें प्राचीन काल में जो मुख्य थी वो सैनिक शक्ति थी प्राचीन काल में। वर्तमान में सैनिक शक्ति थोड़ी देखी जाती है, वर्तमान में राजनीतिक शक्ति देखी जाती है। देखो अब जैसे ये कोई प्रधानमंत्री बनती है वो किसके आधार पर बनती है, राजनीति यानी लोकतांत्रिक तरीके से, इसका मतलब मत की शक्ति, वोटों की शक्ति। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री है, तो वो हर प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको जनता ने शक्ति दी है, जनता ने वोटों के द्वारा मत के द्वारा उनको क्या प्रदान किया, शक्ति। उन्होंने सैनिक शक्ति यानी सैनिक का यूज करके पावर नहीं ली, बल्कि जनता के द्वारा वो पावर ली है, जनता के द्वारा वो क्या ली है, शक्ति ली है। ठीक है, तो ये तो होते थे प्राचीन काल में जो राजा महाराजा थे। अब हम शक्ति के बारे में कुछ विचारकों की बात कर लें। ये तो पढ़ चुके हैं राजनीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है ना वो शक्ति होता है। आगे पढ़ेंगे हम, शक्ति के बिना राजनीति चल ही नहीं सकती किसी भी प्रकार से। देखो सरकार कानून बना देती है, सरकार ने कानून बना दिया, क्या हम उसकी पालना कर लेंगे ना? जब तक नहीं करेंगे, जब तक उसको सख्ती से उसको लागू नहीं किया जाएगा। सरकार ने बनाया हमें हेलमेट रखना है, नहीं लगाते हम। लेकिन जब सरकार सख्ती बरतती है ना, हमें जुर्माना लगाया जाता है या कोई और कार्य किया जाता है, तब जाके हम कहीं जाके वो उस कानून का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें देखो अब प्रश्न आता है भी सत्ता में सख्ती की आवश्यकता क्यों पड़ी, बल की क्यों आवश्यकता पड़ी, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, उन पर जुर्माना लगा रही है, उनको पीट रही है, ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि कुछ व्यक्ति होते ही ढीठ है भाई, कुछ व्यक्ति कानून की परिभाषा से समझते ही नहीं है। जब तक उनके पड़ती नहीं है ना, जब तक उनके को जुर्माना नहीं लगता, जब तक उनके साथ यानी वो कह रहे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इसलिए सरकार को क्या करना पड़ता है, उसको सख्ती से लागू करना पड़ता है, तब जाके जनता क्या करती है उसको मानती है। देखा होगा लॉकडाउन के अंदर वो वीडियो आती थी व्हाट्सएप पर, उनको मार पड़ रही होती थी, कहा भी बाहर नहीं जाना, लेकिन फिर वो धक्के से बाहर जाते थे, फिर उनके बहुत पड़ती थी मार। क्यों? क्योंकि भाषा वही समझते हैं। इसका मतलब शक्ति के द्वारा उसको क्या करना पड़ता था, कंट्रोल करना पड़ता है सरकार को। इसका मतलब शक्ति भी होती है और साथ में सत्ता भी। तो जब तक वो शक्ति का यूज नहीं करती तो क्या लोग मान जाते घर बैठने के लिए? क्या कभी नहीं मानते? हाँ, एक के पड़ती तो 100 जने सुधरते, चल पड़ेगी बार मत जाओ, क्या मतलब लोग डट गए ना। इसलिए राजनीति में शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी राजनीति की शक्ति है वो उसका आधार है। अगर हम शक्ति की बात करें तो सबसे एक मध्यकालीन विचारक था, देखो ये आपके हैं इसको ध्यान से देखो, एक मध्यकालीन विचारक था, बहुत ही शक्तिशाली विचारक वो था, मैकियावली। कौन था? मैकियावली। इसने बुक लिखी थी दी प्रिंस, दी प्रिंस यानी मैकियावली, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विचारक और सबसे ज्यादा बोलते हैं शक्तिशाली विचारक था। यानी जो इस ये पुस्तक है ना दी प्रिंस, ये मिलती नहीं है, कहते हैं जिस पुस्तक को पढ़ लेता है ना उसका माइंड पूरा दिमाग ही चेंज हो जाता है। ये जो हिटलर थे, मुसोलिनी थे, तो ये इतने मतलब निर्दयी हुए थे, इसका कारण यही था कि उन्होंने इनकी बुक का अध्ययन किया। दी प्रिंस बुक का ये बहुत शक्तिशाली विचारक माना जाता है, बहुत ही मतलब शक्ति का यूज करता है ये। ठीक है, और एक और यहाँ पर मैं आपको कल बता देता हूँ, सबसे पहले धर्म और राजनीति को, क्योंकि पहले जो राजनीति चलती थी वो धर्म के अनुसार चलती थी। किसके अनुसार चलती थी? धर्म के अनुसार, क्यों? चर्च वगैरह का प्रोत्तर था, उनके कानून थे, वो भी राजनीति को प्रभावित करते थे। यानी सबसे पहले धर्म और राजनीति को जो अलग किया था वो मैकियावली ने किया था, ध्यान रखना। सबसे पहले धर्म और राजनीति को अलग करने वाला जो विचारक था ना, जिसने ये बात कही थी कि धर्म अपना काम करे, राजनीति अपना काम करे, यानी इस विचारक से पहले क्या था, धर्म और राजनीति का गोलमाल था। यानी धर्म का प्रोत्तर था, राज्य का प्रोत्तर नहीं था, धर्म चाहता था वही कानून बनता था, लेकिन इसने सबसे पहले कहा था कि धर्म और राजनीति को क्या कर दो, अलग। ठीक है, और राजनीति को इसने ज़्यादा पावरफुल यानी धर्म से भी ऊपर पावरफुल बना दिया। पहले तो क्या था, धर्म अधिक शक्तिशाली था राजनीति से, अब इसने शक्ति की बात की और राजनीति में शक्ति इन्वॉल्व करके इसने क्या कर दिया, राजनीति को धर्म से ऊपर कर दिया। उसने कह दिया धर्म है वो भी राजनीति के अंडर में है। इसका मतलब आप कह सकते हो प्रथम शक्तिशाली विचारक था मैकियावली। इसके बाद की बात करें हम, एक था थॉमस हॉब्स। थॉमस
और उन्होंने बुक लिखी थी लेवियाथन 1651 ईस्वी में। ठीक है, हम पहली बात की थी एक मैकियावेली मध्यकालीन चरकता जिन्होंने शक्ति की बात की थी। उसके बाद बात करें हम थॉमस हॉब्स, ये समझौतावादी विचारक था, आपने प्लस में पढ़ा होगा राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत, देख लेना इसके अंदर एक समझौतावादी विचारक थे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। ठीक है, तो थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन बुक लिखी थी उन्होंने 1651 के अंदर, और इसके अंदर इसने शक्ति की बात की थी। सबसे ज़्यादा इसने कहा था राज्य को अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य के पास पावर होनी चाहिए। अगर राज्य को शासन सही तरीके से चलाना है, अनुशासित शासन चलाना है, या समाज के ऊपर क्या रखना है, कंट्रोल रखना है, राज्य के व्यक्तियों पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि तो ये थॉमस हॉब्स कहते थे व्यक्ति है ना नेचर से बहुत बुरे होते हैं, नेचर से बहुत बुरे होते हैं, वो अपने संपत्ति के लिए अपनों का ही कत्ल कर देते हैं, अपनों को ही मार देते हैं, और वर्तमान में हो रहा है ऐसा, अपने भाइयों को तक ख़त्म कर देते हैं संपत्ति के लिए, ये बोलते हैं थॉमस हॉब्स। ठीक है, और इसी कारण उन्होंने एक बात कही थी इन व्यक्ति, जब ये व्यक्ति इतने बुरे हैं तो राजा को उससे भी बुरा होना चाहिए, ये मैकियावेली ने कहा था कि व्यक्ति बुरे हैं तो इसका मतलब लोहा लोहे को ही काट सकता है, इसका मतलब राजा को उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, धोखेबाज होना चाहिए, तब जाके इन धोखेबाजों पर वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उसको नियंत्रण कर सकता है। तो कहने का मतलब थॉमस हॉब्स और मैकियावेली दोनों ही एक तो राज्य के एकीकरण के लिए, यानी राज्य बंटा हुआ था, सब अपने अपने स्वार्थ की बात कर रहे थे, ठीक है, और व्यक्तियों को अनुशासन में रखने के लिए, व्यक्तियों को अनुशासन में रखने के लिए राजनीति यानी राज्य को अधिक शक्तियां प्रदान करना चाहते थे, राज्य को अधिक शक्तियां प्रदान करना, ठीक है, इसी कारण ये शक्तिशाली विचारक माने समझे ना मैकियावेली और ये थॉमस हॉब्स। उसके बाद हम बात करते हैं शक्ति से संबंधित और विचारकों के कुछ, उसके बाद आपने प्लस वन के अंदर भी पढ़ा ही है एकलवादी सिद्धांत पढ़ा था, एकलवादी सिद्धांत आपने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कैटलिन, लास्वेल, मार्गेंथाउ, ये वो विचारक थे जो शक्ति के समर्थक थे, क्या थे, राजनीति में शक्ति के समर्थक थे, राजनीति में शक्ति को मुख्य मानते थे। हम बात करें कैटलिन की, कैटलिन ने कहा था जो राजनीतिक विज्ञान है ना वो शक्ति का विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान, क्या मतलब उसने स्पष्ट कह दिया कि राजनीतिक विज्ञान है ही शक्ति का विज्ञान, यानी इसमें शक्ति पर चर्चा होती है, शक्ति प्राप्त करने की बात होती है, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। अगर हम बात करें लास्वेल, लास्वेल ने एक बुक लिखी थी शक्ति कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है, कि कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है, क्योंकि शक्ति है क्या, शक्ति प्राप्त करने की, जिसके पास मान लो आपके पास आर्थिक शक्ति है, आप धनवान हो अमीर हो तो भी आप क्या करोगे, और ज्यादा पैसा चाहोगे, और ज्यादा शक्तिशाली होना चाहोगे, आप राजनीतिक रूप से मामले छोटे से सदस्य हो, एक छोटे से मेंबर हो, अब आप प्रधानमंत्री की सोचोगे नहीं, ऊपर से ऊपर, फिर आप आगे से आगे क्या चाहोगे, अपना विकास, यानी और ज़्यादा यानी शक्ति की भूख बढ़ती जाती है बंदे में, एक बार अगर किसी को थोड़ी बहुत शक्ति मिल जाती है ना, फिर वो शक्ति और ज़्यादा प्राप्त करने की ख्वाहिश रखता है, उसको और ज़्यादा शक्ति मिले, चाहे वो आर्थिक शक्ति के बारे में बात कर लो, चाहे वो राजनीतिक शक्ति के बारे में बात करो, किसी की दावे बात करो, वो एक बार शक्ति मिलने के बाद वो और ज़्यादा शक्ति की ख्वाहिश रखता है, इसका मतलब उसको सिर्फ प्राप्त करना है, उसको क्या करना है, प्राप्त करना है। अभी ये तो हमने कुछ विचारकों पढ़ लिए, मार्गेंथाउ अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होती है ना उसकी बात करते हैं, वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संघर्ष होते हैं ना, युद्ध होते हैं, उसका कारण एक शक्ति है, दो देश युद्ध करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि एक देश चाहता है भी दूसरे देश के ऊपर उसका प्रभुत्व बढ़ा रहे, यानी उसकी शक्ति स्थापित हो जाए। हमने एक बात की थी 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, हमने विदेशी पड़ोसी देशों का संबंध पढ़ा था ना, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन खुद नहीं वो युद्ध मतलब समाप्त की घोषणा करके वापस चला गया था, इसका मतलब चीन वहाँ पर क्या करता था, शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था, सिर्फ भारत पर क्या चाहता था, शक्ति प्रदर्शन करना, भी उसको ऐसा लगे कि चीन भी एक शक्तिशाली देश है,
इसका मतलब वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति की राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति की राजनीति है। कौन कहता है? मार्गेंद्र। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यवहार करते हैं, दूसरे देशों के साथ युद्ध करते हैं या कोई समझौता करते हैं, उसका रीजन यही होता है कि वो अपने आप को क्या बनाना चाहता है, शक्ति शक्तिशाली बनाना। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, इससे इसमें केपलान भी है। अब नाम ही याद रखना, कैटलिन। एक तो आप इसकी परिभाषा याद रख लेना, शक्ति का भी यहाँ एक, इसका कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है, और होगा तो नाम ही है बस। इसमें केपलान है, उन्होंने भी राजनीति में शक्ति को महत्वपूर्ण माना था। ये बाकी तो सिर्फ नाम याद रखने, परिभाषा तो एक दो की है ना, मैकियावेली कोई परिभाषा है, सिर्फ नाम याद रखना है। मैकियावेली मध्यकालीन चारक था, शक्तिशाली चारक था, सब सौ उसकी बुक का एक लेवियाथन 1600 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम आर्गेंस की। कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं शक्ति का अर्थ बता देता हूँ आपको। शक्ति का अर्थ फिर आगे की चर्चा करेंगे हम। देखो शक्ति का क्या अर्थ होता है, शक्ति का अर्थ होता है भी शक्ति का अर्थ होता है किसी दूसरे के कार्यों को अपने अनुसार मोड़ना। इसका अर्थ क्या हो, इसका हुआ भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, हम अपने अनुसार उससे कार्य करवा लें, तभी तो आप शक्तिशाली हो ना। चाहे आप पैसा दे के आर्थिक रूप से करवा रहे हो, चाहे अपने बल का, अपने शरीर का उसका उपयोग करके आप उससे अपने मनमर्जी से कार्य करवा रहे हो। इसका मतलब जैसा मैं चाहूँ वैसा दूसरा व्यक्ति कार्य कर दे, वो शक्ति है। ठीक है बात, जैसा हम चाहें वैसा अगर उससे दूसरे व्यक्ति से कार्य करवा लें, इसका मतलब हम शक्तिशाली है। चाहे हम पैसे दे के करवा लें तो वो आर्थिक शक्ति आर्थिक रूप से शक्तिशाली होगा, चाहे हम बल या शरीर रूप से करवा लें तो वो क्या होगा, शारीरिक रूप से क्या होगा, शक्तिशाली। ठीक है स्टूडेंट, हम जो ये परिभाषाएं आर्गेम्स की है, बायोस्टेट की है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।